बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मलका टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है न्यू किचन की। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना न्यू किचन शेयर कर रही हूँ। किचन में कुछ ख़ास बर्तन अभी नहीं रखे मैंने। सबसे पहले मैंने अपने व्यूवर्स के साथ वीडियो शेयर की और उसके बाद इसमें मैं बर्तन रखूँगी, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छोटा सा ओपन किचन है लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग किया है ना वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा बर्तन इसमें रख सकते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले ऊपर कैबिनेट दिखाती हूँ, वो भी दो दो खानों के हमने बनाए हैं। तो मतलब काफ़ी जगह है बर्तन रखने के। अब मैं आपको चूल्हा दिखाती हूँ बिल्कुल पास से। तो ये है शीशे का चूल्हा। इससे पहले मैंने स्टील वाले चूल्हे इस्तेमाल किए हैं और ये मैंने वीडियो के लिए ख़ास कर ली है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और इसकी जो कीमत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चूल्हा हमने लिया है 10,000 का। अगर आपने लेनी हो तो आपको आइडिया हो, इसलिए मैं चूल्हे की कीमत बता रही हूँ। अब इस व्लॉग में मैंने सोचा आपके साथ छोटी सी वीडियो भी शेयर करूँ। स्वीट बनानी है पहले किचन पे, शॉर्ट सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड की। 1 लीटर दूध लिया है मैंने और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। मीडियम फ्लेम पे इसको हम रखेंगे। इन्हें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं कस्टर्ड पाउडर बनाऊंगी। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया और उसको हमने दूध में इस तरीके से बनाया जिसे हम आम कस्टर्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसे। दूध में उबाल आ चुका है और अब इस पे हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने बनाए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ में हम चम्मच चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने जो फ्लेम ऑन किया है वो उसमें है सेवैयाँ, रंग बिरंग सेवैयाँ जो आपको आसानी से कहीं से भी मिल सकती है, उसको हम उबाल देंगे और उसके बाद इसको छान के हमने कस्टर्ड में ऐड करना है। गाढ़ा हो जाए कस्टर्ड और वो जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो, उसके बाद इसमें हम आखिर में ऐड करेंगे सेवैयाँ। सेवैयों को कस्टर्ड में थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको हम बॉल में डाल देंगे, ठंडा करके बॉल में डाल देंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉर्ट सी रेसिपी, लेकिन बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले और न्यू किचन में स्वीट बनाऊं और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको हमारा किचन कैसा लगा।